नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका एस पी सीवाई एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ कपिल देव, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्त। एक बार सभी लोग क्या करेंगे, सभी बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे आते ही। और जाहिर सी बात है, आज आप क्या पढ़ने वाले हैं, घड़ियाल के बारे में। जैसा कि आपको लिखा गया होगा बच्चे, जैसा कि आपको थंबनेल मिला होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल। आई एस लवर बिरजू स्वागत है दोस्त, पूजा जी, आराधना जी, प्रीत जी स्वागत है दोस्त। बिल्कुल प्रीत, टाइगर बिल्कुल दोस्त, टाइगर तो प्रोजेक्ट टाइगर तो खत्म हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर तो हमारा खत्म हो गया दोस्त, कोई बात नहीं, अभी आप जिंदा हैं। बिल्कुल सिवी सिंह स्वागत है दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिवी, बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। तो बिल्कुल दोस्तों, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्त क्या, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन। बिल्कुल, घड़ियाल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, घड़ियाल कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, उन्हीं के बारे में। ठीक, उन्हीं के बारे में हम क्या पढ़ने वाले दोस्त, उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उन्हीं का कंजर्वेशन करने वाले हैं। ठीक दोस्त, चलिए तो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन पे चलते हैं दोस्त, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन पे चलते हैं। ये है क्या, ये है घड़ियाल, यानी के पानी के राजा, पानी के राजा ही कह सकते हैं ना। इनकी गेमिंग स्वागत है दोस्त, सर बहुत दिन बाद आया हूँ। बिल्कुल दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दिन बाद आए हैं तो, बहुत दिन बाद आए हैं सोर्त, बहुत बहुत स्वागत है। मुंह लंबा होता है, अच्छा जी, मुंह लंबा होता है, छोटा भी तो होता होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलें तो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन की बात करेंगे, ऐसे खतरनाक जीवों की बात, जिनका देखा जाए बिल्कुल दोस्त, जिनके जिनको याद करने से ही शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। ठीक, जिनको सोच के ही डर लगता है, तो इनके संरक्षण की क्या आवश्यकता पड़ी, इनके संरक्षण की क्या आवश्यकता पड़ी। तो बिल्कुल दोस्त, देखा जाए तो ये जो घड़ियाल है बच्चे, इनको मारा जाने लगा किसके लिए, इनके चमड़ों के लिए, इनके स्किन के लिए। ठीक, इनके स्किन से देखा जाए तो महंगे महंगे आपके कपड़े बनते हैं, महंगे महंगे लेदर जैकेट्स बनते हैं, महंगे महंगे जूते बनते हैं, महंगे महंगे ब्रीफकेस बनते हैं। ठीक, इनकी स्किन के लिए मारा जाने लगा इनको। बिल्कुल मनसा स्वागत है बच्चे, पवन पांडे जी एनडीए, बिल्कुल दोस्त, हार्डेस्ट स्किन होती है इनकी। अब देखा जाए तो भैया क्रोकोडाइल कंजर्वेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक, चलिए सबसे पहले तो भैया आप क्या जानते हैं, पता नहीं दोस्त आप जानते हैं या नहीं जानते, तो पहले जान लीजिए कि 17 जून को विश्व घड़ियाल दिवस मनाया जाता है। ठीक दोस्त, 17 जून को विश्व घड़ियाल दिवस मनाया जाता है। पहली तो इन्फॉर्मेशन ये लिख लीजिएगा, ठीक, पहली तो इन्फॉर्मेशन ये लिख लीजिएगा बच्चे, पहली इन्फॉर्मेशन ये लिख लीजिएगा भैया, विश्व घड़ियाल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व घड़ियाल दिवस आपका मनाया जाता है कब बेटे, 17 जून को। ठीक, 17 जून को विश्व घड़ियाल दिवस मनाया जाता है। ठीक, बिल्कुल आराधना, बिल्कुल बच्चे, एक बार सेशन को शेयर कर देना बेटे, सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक दोस्त, आगे चलते दोस्त, जो आपका घड़ियाल है उसके संरक्षण की बात करेंगे। ठीक दोस्त, उसके संरक्षण की बात करेंगे। देखा जाए तो इनकी कई प्रजातियां होती हैं, और इन प्रजातियों की जनसंख्या जो है वो क्या है दोस्त, इन प्रजातियों की जनसंख्या वो भी अलग अलग है। ठीक, इन प्रजातियों की जनसंख्या क्या है दोस्त, अलग अलग है। ठीक, बिल्कुल विशिष्ट मगरमच्छ प्रजातियों की श्रेणियां, साथ ही साथ उनकी जनसंख्या घनत्व को ध्यान में रखा जाए तो घड़ियाल प्रजातियों की सीमा ज्यादातर अमेरिका में है, यानी ये घड़ियाल ज्यादातर कहां पाए जाएंगे, अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं। जबकि मगरमच्छ की प्रजातियों की सीमा अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, घड़ियाल कहां है, अमेरिका में, मगरमच्छ कहां है, एशिया में, अफ्रीका में तथा साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में। ये डिवाइडेशन है क्या इनकी प्रजातियों का, यानी घड़ियाल आपके अमेरिका की तरफ हो गए, मगरमच्छ जो है आपके ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका में हो गए। ठीक दोस्त, तो पहले तो आप ये जान लीजिएगा कि भैया घड़ियाल और मगरमच्छ क्या है, समान नहीं है, पहले तो आप ये जान लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, अंदर बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल दोस्त, हाँ ठीक, पहले तो ये रख लीजिएगा। अब देखा जाए आगे अगर बात करें
तो ये क्या है, ये क्षेत्र है क्या घड़ियालों का, ये क्षेत्र क्या है दोस्त, घड़ियालों का क्षेत्र है। अगर बात करें एलिगेटर की बात करें तो ये क्या है दोस्त, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ठीक, ये मैक्सिको का एरिया है, मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक, साथ ही साथ ये आपका साउदर्न फ्लोरिडा है यहाँ पे, ठीक, क्रोकोडायल यहाँ पे है आपके, बिल्कुल दोस्त। तो ये जो आपके एलिगेटर्स के कैमन के जो एरियाज हैं, ब्राजील ले लीजिए या फिर बात कर लीजिए, किसकी बात कर लीजिए, मैक्सिको की खाड़ी की, क्यूबन की एरिया, क्यूबन जो क्यूबाई आपके द्वीप समूह है उनकी बात कर लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़े बहुत जो है मगरमच्छ की प्रजातियां भी पाई जा रही है। लेकिन अगर प्योरली रूप से देखा जाए, संपूर्ण रूप से देखा जाए, तो मगरमच्छ कहाँ है आपके, घड़ियाल कहाँ है आपके, बिल्कुल ब्राजील के एरिया में है, ब्राजील के एरिया में, मैक्सिको की खाड़ी के एरिया में। तो सीमा का निर्धारण तो पहले बता दिया आपको कि घड़ियाल कहाँ है, अमेरिका में है, और जो मगरमच्छ है कहाँ दोस्त, मगरमच्छ देख लीजिए ये आपका, बिल्कुल दोस्त ये मगरमच्छ आपके अफ्रीकन कंट्रीज जो है उनमें पाए जाएंगे, मेडागास्कर में है, एशिया में पाकिस्तान, भारत, ठीक, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, सुमात्रा, जावा, साथ ही साथ इधर आ जाइए जो आपके ओशिनेशिया है उसमें है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ऑस्ट्रेलिया में भी है। अब कुछ चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत यह भी है भैया, ये अगर देखा जाए तो घड़ियाल इनमें से कुछ ही जगह पाए जाएंगे, क्रोकोडायल, घड़ियाल, यानी कि कई प्रजातियां हैं इनकी, अलग अलग प्रजातियां हैं, भारत में ही अलग अलग हैं। तो घड़ियाल भारत में भी है, ठीक, नेपाल में है आपके, बिल्कुल दोस्त नेपाल में है, और भारत का जो तटीय मैदान है, जो मैदान है, मैदानी इलाका है, वहां पे क्या पाए जा रहे हैं, वहां पे घड़ियाल पाए जा रहे हैं आपके, ठीक। अब बात करें कि भैया ये जो परियोजना लाई गई, ठीक, क्रोकोडायल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लाया गया, कब लाया गया, 1975 में, ठीक, 1975 में क्रोकोडायल कंजर्वेशन के लिए क्या लाया गया, परियोजना लाई गई, भैया हम क्या करेंगे, घड़ियालों का संरक्षण करेंगे, यानी घड़ियाल संरक्षण परियोजना कब लाई गई, 1975 में, ठीक। इनका क्या उद्देश्य था बेटे, इनका उद्देश्य था कि भैया देश की तीन जो दुर्लभ मगरमच्छ प्रजातियां हैं उनकी रक्षा करना, ठीक। अब देखा जाए तो हमारे पास केवल 195 या 175 के आसपास शेष बचे थे क्या, घड़ियाल शेष बचे थे भाई। आवश्यकता पड़ी जो हमारा वाटर इकोसिस्टम है वहां पे देखा जाए तो फूड चेन में, फूड वेब में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका रोल प्ले करता है, ये काफी अच्छा रोल प्ले करता है। तो भाई उसका अगर फूड वेब से, फूड चेन से हटना, जाहिर सी बात है फूड वेब का टूटना, फूड चेन का टूटना, ये देखा जाए तो बिल्कुल जो जल स्रोत है हमारे उनमें जो इकोसिस्टम है उसका नाश होगा। तो इसके लिए घड़ियाल संरक्षण करने की आवश्यकता पड़ी, ठीक। घड़ियाल एक ऐसी प्रजाति है जो किसके आकर है दोस्त, जो देखा जाए तो बात करता है किसकी, बात करता है एक ऐसे तंत्र की जहां पे टॉप प्रीडेटर से लेके, ठीक, यानी फूड चेन की बात करिए ना, आप शुरू से बात करिए भैया यहाँ पे आप जो आपका वाटर इकोसिस्टम है वहां पे क्या हो सकता है। वहां पे देखा जाए तो शुरू से फाइटोप्लैंक्टन्स की बात कर लीजिए, फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाएगा, मछलियां खाएंगे, मछलियों को कौन खाएगा, जो क्रेन्स होते हैं, सारस होते हैं, फिर बड़ी मछलियां अगर हैं तो उनको कौन खाएगा, बड़ी मछलियां हैं तो उनको, उनसे बड़ी मछलियां खाएंगी, और उनसे बड़ी मछली अगर है तो उनको कौन खाएगा, एलिगेटर अगर वहां पे हैं या फिर आपके घड़ियाल अगर वहां पे हैं तो वो इनको खाएंगे, यानी फूड चेन में भी ये क्या कर रहा है, फूड चेन में भी ये बिल्कुल दोस्त ये हिस्सा ले रहा है। अब देखा जाए तो मीठे पानी के मगरमच्छ, घड़ियाल और खारे पानी का मगरमच्छ, मीठे पानी यानी ताजे पानी के मगरमच्छ की बात कर रहा, घड़ियाल की बात कर रहा, और साथ ही साथ खारे पानी के मगरमच्छ की बात कर रहा, ठीक। ये तीन प्रजातियां रही जिसका क्या करने वाला है दोस्त, जिसका देखा जाए इस परियोजना में, घड़ियाल संरक्षण परियोजना में क्या होने वाला है, संरक्षण होने वाला है, ठीक। अब उसका उद्देश्य क्या रहा, इनको कैपिटिव ब्रीडिंग प्रदान करना, ठीक, खुले में, आवास में या प्राकृतिक आवास में ये सही ढंग से अपनी जनसंख्या का विस्तार नहीं कर पा रहे थे, ठीक। फिर क्या हुआ दोस्त, तो भारत सरकार ने ये परियोजना लाई, भारत सरकार द्वारा यह परियोजना लाई गई और कहा गया भैया इनकी कैपिटिव ब्रीडिंग कराई जाए, यानी इनकी जनसंख्या का क्या किया जाए, वृद्धि कराई जाए, यानी बंधक बनाकर एक ऐसी जगह पर रखकर जहां पे ये क्या कर सके, प्रजनन कर सके और अपनी जनसंख्या के में वृद्धि कर सके, ठीक। यानी कि एक तो इनके शिकारियों की क्या करना, शिकारियों पे भी निगरानी रखना, इनके शिकार पे भी निगरानी रखना, साथ ही साथ जो इनके अंडे हैं,
इन पर भी निगरानी रखना, ठीक, इन पर भी निगरानी रखना दोस्त, ठीक। अंडों का वर्गीकरण करना, बिल्कुल दोस्त, उनका पालन पोषण करना, अंडे से बच्चे निकलेंगे तो उनका पालन पोषण करना, और वयस्क होने पे इनको वापस उसी जल स्रोत में या फिर वापस उनके आवासों में छोड़ देना, ठीक, वापस उनके आवासों में छोड़ देना। अब बात करते दोस्त, ये तो रहा उद्देश्य, ठीक। अब देखा जाए आगे क्या था, आगे बात करें तो आगे देखा जाए बेटे, बिल्कुल मगरमच्छ परियोजना के तहत देखा जाए तो क्या उद्देश्य थे, व्यापक उद्देश्य थे इसके, ठीक। प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना, मेन उद्देश्य यह था कि मगरमच्छों को उनके प्राकृतिक आवास में क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए, ठीक। गो एंड रिलीज या रियर एंड रिलीज तकनीक के चलते इनकी आबादी में क्या हुआ दोस्त, इनकी आबादी का तेजी से पुनर्निर्माण करना, ठीक, इनकी आबादी का तेजी से पुनर्निर्माण करना, गो एंड रिलीज और रियर एंड रिलीज की बात। रेयर मतलब पालना होता है, पालन पोषण करना, फिल्म को वापस छोड़ देना, ठीक बच्चे। अब आगे बात करते हैं दोस्त, ठीक। अब देखा जाए बंदी प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक, बंदी प्रजनन को बढ़ावा दिया जाए, यानी कैप्टिव ब्रीडिंग इनकी कराई जाए, हाँ, एक एक को सेफ रखना, बिल्कुल। छवि गुड मॉर्निंग देते, गुड मॉर्निंग। खुशबू यादव जी, कितना क्यूट क्रोकोडाइल है, अच्छा जी क्यूट है, बहुत बढ़िया। शबा अंसारी कहें गुड मॉर्निंग शबा, गुड मॉर्निंग बच्चे। तो यहाँ पे देखा जाए प्रबंधन में सुधार के लिए अनुसंधान करना, ठीक, और साथ ही साथ स्थानीय लोगों को घनिष्ठता से जोड़ना। जहां आप जो परियोजना चला रहे हैं, अगर स्थानीय लोगों का सपोर्ट नहीं है तो परियोजना पूर्ण रूप से सफल नहीं होगी। कोई भी आप परियोजना चलाइए तो स्थानीय लोगों का सहयोग भी क्या है दोस्त, बहुत आवश्यक है, ठीक। लगातार क्या करना, लगातार अनुसंधान पर जोर देना, शोध पर जोर देना कि भैया इनकी ब्रीडिंग कैसे कराई जाए, इनकी संख्या में कैसे वृद्धि की जाए, ठीक। ये सब चीजें तो हो गई, बहुत अच्छी बात है। चलिए गुड मॉर्निंग गोविंद जी, गुड मॉर्निंग दोस्त। अब क्या करें, अब हमारे पास जो घड़ियाल थे यानी जो मगरमच्छ थे उनकी बात कर ली जाए, जो तीन प्रजातियों की बात कही गई, कौन सी तीन प्रजातियां थी, ठीक। तो भारत में मगरमच्छ की तीन प्रजातियां हैं, घड़ियाल, खारे पानी का मगरमच्छ और मगर, ठीक, यानी जो ताजे पानी में पाई जाती है, ठीक। तो पहले किसकी बात करते हैं दोस्त, ये क्या है, एशियाई मगरमच्छ है घड़ियाल, ये क्या है, एशियाई मगरमच्छ है और अपने लंबे पतले थूथन के कारण अन्य से अलग होते हैं। ये अक्सर नदियों में पाए जाते हैं, स्वच्छ जो जल की नदियां होती हैं या फिर जो ताजे पानी की नदियां होती हैं, जैसे घाघरा हो गई, सरयू हो गई, इनमें पाए जाते हैं ये, ठीक, इनमें पाए जाते, ये अक्सर देखे जाते हैं, अपने आसपास ही देखे जाते हैं, इनको शायद आपने देखा होगा, ठीक। अब ये अगर नदी में पाए जा रहे हैं, ये अगर नदी में पाए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है नदी क्या है दोस्त, नदी को, नदी का जो इकोसिस्टम है वो क्या है, वो अच्छा है, वो बना हुआ है, ये याद रखिएगा, ठीक। अगर इनकी उपस्थिति नदी में है तो बिल्कुल दोस्त, नदी का जल क्या है दोस्त, नदी का जल अच्छा संकेतक है, बिल्कुल दोस्त, यानी कि नदी का जल क्या है, अच्छा है, तभी ये नदी में पाए जाएंगे, ठीक बच्चे, बिल्कुल। अब देखा जाए ये हानि रहित होते हैं, यानी मानवों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, याद रखिएगा, ये मानवों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये केवल और केवल मछली खाते हैं, ठीक, ये केवल और केवल मछली खाते हैं। थूथन क्या होता है बेटे, थूथन मतलब इनका ये गाल, ठीक, ये गाल, यही क्या है, ये थूथन है इनका, ठीक, याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग अशोक, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बच्चे, आपने देखा होगा घाघरा में, हाँ, अधिकतर साफ पानी में होते हैं, ठीक। दांतों की लंबाई कितनी होती है, ठीक है बेटे, कोई बात नहीं, एक दिन पकड़ते हैं चल के अपन दोनों, ठीक, फिर जो है नापते हैं कितनी लंबाई होती है इनके दांतों की, ठीक, चले, तो बिल्कुल दोस्त। अब देखा जाए तो ये विंध्य पर्वत क्षेत्र के उत्तरी ढलानों में चंबल नदी को, ठीक, घड़ियाल के प्राथमिक आवास के रूप में जाना जाता है, यानी ये जो आपके पाए जाते हैं मगर, ये कहाँ, चंबल नदी में, याद रखिएगा, चंबल नदी में देखा जाए तो चंबल नदी घाटी में इनका क्या है दोस्त, इनका प्राकृतिक आवास है, इनका प्राकृतिक आवास है दोस्त, ठीक। अब देखा जाए जैसे घाघरा, गंडक, रामगंगा, सोन नदी, यहाँ पे भी ये पाए जाते हैं, ठीक, यहाँ पे भी ये पाए जाते हैं, भूले भटके कभी
अन्य नदियों में ही पहुंच जाते हैं। ठीक, भूले भटके कभी अन्य नदियों में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन घाघरा की बात कर लीजिए, सरयू की बात कर लीजिए, ठीक, चंबल नदी की बात कर लीजिए, गंडक की बात कर लीजिए, रामगंगा की बात कर लीजिए, सोन नदी की बात कर लीजिए, तो यहाँ पे देखा जाए ये इनके प्राकृतिक आवास हैं, इनके प्राकृतिक आवास हैं। ठीक, कोई बात नहीं बच्चे, पहले पढ़ा दिया है तो रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो ना बच्चे। ठीक, चलिए अब बात करते किसकी दोस्त, अब आगे अगर बात करें दूसरे प्रजाति की, अब दूसरे प्रजाति की बात करें अगर, ये क्या बेटे, खारे पानी का मगरमच्छ, यानी इसको आदमखोर बोलते हैं। ठीक, आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं इसको कि कितना खतरनाक है। ये क्या है, ये आदमखोर प्रजाति है, याद रखिएगा, ये मानवों को खाती है, मैन ईटर है, आदमखोर है। ठीक, ये देखा जाए पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित मगर की प्रजाति है दोस्त, याद रखिएगा, पृथ्वी पर जीवित सबसे बड़ी मगर की प्रजाति है, जिसे विश्व स्तर पर एक ज्ञात आदमखोर मैन ईटर के रूप में भी जाना जाता है। ये क्या करता है, ये इंसानों को भी खा जाता है। ठीक, ये इंसानों को भी खाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटे, इसलिए इसको मैन ईटर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक, और देखा जाए बिल्कुल, तो ये उड़ीसा के भीतरकनिका में, ठीक, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, और तीनों में एक चीज कॉमन है। अब कौन बताएगा, इन तीनों में एक चीज कॉमन है क्या दोस्त, इन तीनों में जैसे बात कर ले किसकी, भीतरकनिका की बात कर लीजिए, ठीक, भीतरकनिका की बात कर लीजिए, फिर सुंदरबन की बात कर लीजिए, ठीक, फिर अंडमान और निकोबार की बात कर लीजिए, तीनों में एक चीज कॉमन है, यहां पे क्या है दोस्त, यहां पे आपके मैंग्रोव हैं। ठीक, यहां पे क्या है, मैंग्रोव हैं, और मैंग्रोव के इलाके में ये अक्सर पाए जाते हैं, ये इतना याद रखिएगा, ये जो घड़ियाल हैं ये मैंग्रोव के इलाके में अक्सर पाए जाते हैं। ठीक, अब इनके भाई कंजर्वेशन की स्थिति देख ली जाए या संरक्षण की स्थिति देख ली जाए। ठीक, संरक्षण की स्थिति अगर देखी जाए तो जो आयुष्यन का संकटग्रस्त यानी कि रेड लिस्ट है, जो आयुष्यन की रेड लिस्ट है, वहां पे देखा जाए तो ये क्या है, ये लीज्ड कंसर्न है, यानी चिंता करने की कोई बात नहीं दोस्त, इनकी संख्या पर्याप्त है। ठीक, अब बात करें वहां साइट्स की, ठीक, साइट्स की बात करें, साइट्स के परिशिष्ट एक में इनको जगह दी गई है, यानी हाईली प्रोटेक्ट किया गया है इनको, हाईली प्रोटेक्ट किया गया है। और वही बात करें किसकी दोस्त, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की, तो उसकी अनुसूची एक में इनको रखा गया है, यानी आप इनका शिकार नहीं कर सकते, ये आपका कर सकते हैं। ठीक, आप इनको नहीं मार सकते, बिल्कुल सुषमा, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग, चले आगे। हाँ बिल्कुल दोस्त, मगरमच्छ, हम क्या पढ़ रहे हैं, मगरमच्छ। ठीक बच्चे, अब आते हैं क्या, मगर आते हैं आपके, ये क्या है बच्चे, ये देखा जाए तो बिल्कुल ये ऐसे शांत पड़े रहते हैं, मीठे जल में पाए जाते हैं। ठीक, शांत पड़े रहते हैं, मीठे जल में पाए जाते हैं। ठीक, अब देखा जाए तो इसे खतरनाक भी माना जाता है, खतरनाक भी माना जाता है, का मतलब यह है कि आप अगर इनके आवास के क्षेत्र में, अगर आप इनके एरिया में आएंगे तो ये आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक बच्चे, याद रखिएगा, तो ये अंडा देने वाली और होल नेस्टिंग स्पीसीज है। ठीक, याद रखिएगा, ये अंडा भी देती है और अंडे पे क्या करती है बेटे, घोंसला भी बनाते हैं, अंडे के लिए घोंसला भी बनाती है ये, याद रखिएगा, ये जो प्रजाति है ये अंडे के लिए क्या करती है, घोंसला बनाती है। ठीक, हाँ, ये खा जाएंगे बेटे, ये आपको खा जाएंगे, लेकिन आप जाइएगा नहीं वहां पे। ठीक, आप जाइएगा नहीं। ठीक, अब ये क्या है, खतरनाक भी माना जाता है, खतरनाक कब होंगे भाई, जाहिर सी बात है, आप लोगों की, मेरी तो नहीं है, आप लोगों की जरूर होगी। ठीक, आप लोग क्या करते हो, कोई जानवर सो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर बता दो, कुत्ता घर में आसपास कहीं सो रहा है, रास्ते में कहीं सो रहा है, तो आप क्या करते हो, कंकड़ उठा के फेंकते हो, हाथ में डंडा है तो कोंच देते हो उसको, करते हो ना, ये आदत बड़ी खराब है आप सबकी, अगर ये आदत इसके साथ करोगे तो कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। ठीक बेटे, कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे आप, चले। अब देखा जाए तो ये जो है आपका जो मगर है, ये क्या है, याद रखिएगा, ये भारतीय उपमहाद्वीप तक ही क्या है, सीमित है, भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित है दोस्त। ठीक, याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित है। ठीक, एक सेकंड देना बच्चे,
ठीक दोस्त, तो भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित है और यह मीठे पानी के स्रोतों और तटीय खारे जल के लैगून या मुहाने पर भी पाए जाते हैं। और भूटान, याद रखिएगा, म्यांमार में यह क्या है दोस्त, पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। ये भूटान और म्यांमार में नहीं पाए जाते, याद रखिएगा, भूटान और म्यांमार में ये विलुप्त हो चुके हैं। ठीक, भूटान और म्यांमार में ये विलुप्त हो चुके हैं बच्चे। अब देखा जाए इनके बिल्कुल दोस्त संरक्षण की स्थिति देख ली जाए तो IUCN की रेड लिस्ट में क्या है दोस्त, ये सुभेद्य हैं, यानी वल्नरेबल हैं, इन पे संकट आ सकता है। ठीक, इन पे संकट आ सकता है दोस्त, बिल्कुल अर्जुन स्वागत है दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका, संकट आ सकता है। साइट्स की परसिस्ट एक में इनको रखा गया है और जो आपका WPA है यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसकी अनुसूची एक में इनको रखा गया है। ठीक, यानी ये हाईली प्रोटेक्टेड है, इनके आवासों का, ठीक, इनके आवासों का आप विनाश नहीं कर सकते, आवासों का इनके विनाश नहीं कर सकते। ठीक, यानी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इनका पोचिंग नहीं कर सकते, इनके एरिया में आप पोल्यूशन नहीं कर सकते। ठीक, बिल्कुल चलें, बिल्कुल, कहा भूटान और म्यांमार में क्या है दोस्त, विलुप्त हो चुकी है ये घड़ियाल की वो तीन प्रजातियां हैं। ठीक, ये घड़ियाल की वो तीन प्रजातियां हैं। ठीक, बिल्कुल, तो यहां पे किसकी बात करें, घड़ियाल की बात करें, बिल्कुल दोस्त, तो ये देखा जाए, बिल्कुल ये क्या है, घड़ियाल है, इधर का आपका मगर क्रोकोडाइल है, इधर आपका कौन है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। ठीक दोस्त, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल क्या बेटे, लीस्ट कंसर्न है, मैंने आपको पहले बताया था, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये मैन ईटर होते हैं। कहां पाए गए हैं, भीतर कनिका में, सुंदरबन में और अंडमान निकोबार में, तीनों में कॉमन क्या है, मैंग्रोव का एरिया है, बिल्कुल दोस्त, खारे पानी के मगरमच्छ हैं। ठीक, वही बात करें मगर क्रोकोडाइल की, मगर क्रोकोडाइल क्या बेटे, ये आपका सुभेद्य है, मगर क्रोकोडाइल आपका सुभेद्य है, याद रखिएगा, IUCN के रेड लिस्ट में क्या है, वल्नरेबल है, सुभेद्य है, साइट्स की परसिस्ट एक में रखा गया है और साथ ही साथ आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची एक में रखा गया है। और जब बात करते हैं किसकी दोस्त, जब हम बात करते हैं किसकी, जब बात करेंगे घड़ियाल की, ठीक, जब बात करेंगे घड़ियाल की, जो कहां पाया जा रहा बेटे, जो आपका पाया जा रहा चंबल में, घाघरा में, ठीक, सोन नदी में, रामगंगा में, ये क्या है, IUCN की जब यहां पे बात आएगी तो UPSC आपको यही टच करेगा कि भैया घड़ियाल के बारे में कुछ जानते हो, मगर जो हमारा है पतले लंबे थूथन वाला, IUCN की रेड लिस्ट में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया गया है। ठीक, याद रखिएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित है ये क्या है बेटे, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक, साइट्स की परसिस्ट एक में रखा गया है, ठीक, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, उसकी परसिस्ट एक में रखा गया है और आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की परसिस्ट एक में रखा गया है। ठीक बच्चे, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, घड़ियाल के बारे में ही पूछेगा, घड़ियाल के बारे में ही पूछेगा, और तीनों याद रखिए, तीनों याद रखने में बुराई क्या है, तीनों याद रखने में बुराई क्या है बेटे, अगर क्वेश्चन बनता है यहां से तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक बच्चे, चलिए आगे चलते दोस्त, आगे बात करते हैं, आगे क्या है बात करने के लिए आपके लिए, तो भैया क्या आप जानते हैं, तो आई थिंक कि आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन जान लीजिए बच्चे, जान लीजिए, घड़ियाल का पुनर्वास मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की एक उप इकाई थी। देखा जाए तो इसके मुख्य रूप से घड़ियाल पर जोर दिया गया था इसमें, ठीक है दोस्त, घड़ियाल वर्ष 1974 में विलुप्त होने के कगार पे था, मैंने पहले बताया था कि इनकी केवल संख्या 195 के आसपास बची थी। ठीक बच्चे, केवल और केवल 195 के आसपास, अब इनकी अच्छी खासी जनसंख्या हो चुकी है, ठीक, लेकिन फिर भी क्या है दोस्त, फिर भी इनका कंजर्वेशन या इनका संरक्षण करना आवश्यक है, फिर भी इनका संरक्षण करना आवश्यक है बच्चे, बिल्कुल दोस्त, इनका संरक्षण करना आवश्यक है, बहुत बढ़िया। ठीक बच्चे, चले आगे, तो आगे चलिए, आगे क्या है दोस्त, आगे है प्रश्न आपका, आगे है आपका प्रश्न। ठीक भैया, प्रश्न क्या है, मगरमच्छ सबसे व्यापक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति है, मगरमच्छ किस महाद्वीप में नहीं पाए जाते, आपको बताना है
मगरमच्छ किस महाद्वीप में नहीं पाए जाते? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कौन बताएगा? कौन बताएगा बच्चे, ये उत्तर दीजिए। सर एप्लीकेशन यूपीएससी की क्लास हो रहा है या सर इनके एक्शन को देखकर डर लग रहा है, काटने खतरनाक है। अच्छा बिल्कुल दोस्त, कोई बात नहीं, यूरोप आराधना करिए, यूरोप में, बिल्कुल दोस्त सवा, उत्तर देना बच्चे। छवि कह रही है सी यानी यूरोप है, बहुत बढ़िया। अर्जुन कह रहे हैं जी सर बिल्कुल, सुषमा सी, पूजा सी कह रही हैं बिल्कुल बच्चे। अभी मैंने आपको बताया था ना घड़ियाल और मगरमच्छ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक, तो बिल्कुल हाँ बिल्कुल सभा बहुत बढ़िया, श्रद्धा बहुत बढ़िया, सुषमा बहुत बढ़िया, गोविंद जी, प्रीत जी, शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया। तो सी यानी यूरोप में क्या है दोस्त, यूरोप में कोई मगरमच्छ नहीं है, यानी यहाँ का कोई स्थानिक मगरमच्छ नहीं है। भाई इनके जो चिड़ियाघर है उसमें तो है ही, लेकिन यहाँ का कोई स्थानिक नहीं है। यूरोप के जो कंट्रीज है वो क्या है, मगरमच्छ से विलुप्त है, मगरमच्छ है ही नहीं वहां पे, यानी मगरमच्छ वहां पे है ही नहीं, पाए नहीं जाते, कोई भी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती, ठीक। बिल्कुल स्वाति स्वागत है बच्चे, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए ये प्रश्न तो हो गया, ठीक। अब आपके प्रीलिम्स के लिए क्या है दोस्त, प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो लिख लीजिए। प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चे, भैया अंटार्कटिका एंड यूरोप आर द ओनली कॉन्टिनेंट्स विदाउट नेटिव स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल। तो यूरोप के अलावा क्या है बेटे, यूरोप के अलावा आपका अंटार्कटिका भी है, जहां पे आपके कोई मगरमच्छ नहीं पाए जाते, कोई मगरमच्छ की प्रजाति नहीं पाई जाती। प्लीज सर बताइए ना, यूपीएससी क्लास एप्लीकेशन पर हो रहा है क्या? हाँ बेटे क्लासेस तो चल ही रही है अभी, ठीक। मगरमच्छ की प्रजाति कहां कहां, यूरोप में और अंटार्कटिका पे नहीं पाई जाती। बिल्कुल मोहम्मद सलमान जी, बिल्कुल बच्चे बहुत सही उत्तर दिया आपने, सी सी विकल्प क्या है दोस्त, सही है। मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ है, कौन बताएगा? मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ है, अफ्रीका, बोर्नियो, भारत, यूरोप, कौन बताएगा बच्चे? मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ है, कौन बताएगा? सबसे बड़ी आबादी कहाँ है? अच्छा बिल्कुल पता है तो बताइए बच्चे, अंटार्कटिका एंड यूरोप, शाबाश शबा, अफ्रीका आराधना करिए अफ्रीका, अच्छा जी चलिए हम मान लेते हैं अफ्रीका, बहुत बढ़िया। इंडिया, गोविंद जी करें इंडिया, शिवानी कर रही हैं वन, अफ्रीका, प्रीतागर अफ्रीका कर रहे हैं, कशक कर रही हैं ए, अफ्रीका, सभा अंसारी अफ्रीका कर रही हैं सीवी, अच्छा बिल्कुल आपका भी मानना वही है अफ्रीका, मोहम्मद सलमान अफ्रीका, बिल्कुल दोस्त आप लोग बिल्कुल सही हो। अफ्रीका में मगरमच्छों की सबसे बड़ी प्रजाति या देखा जाए सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है बेटे, अफ्रीका में है, सर्वाधिक जनसंख्या अफ्रीका में है, वहाँ के जो बिल्कुल दोस्त पुरानी जो जनजातियाँ हैं देखा जाए तो अपने घरों के सामने इनको सजाते हैं, यानी इनको पहले क्या करेंगे, मारेंगे, मारने के बाद इनके अंदर के जो ऑर्गन्स है वो निकालेंगे और उनमें कुछ इनकी विधियाँ हैं, उस विधि का प्रयोग करके इनमें जो कुछ चीज़ें भर के यानी इनको पूरा ठोस बना के दोबारा क्या करेंगे अपने घर के आगे लगाते हैं। अफ्रीका में कई ऐसे रेस्टोरेंट भी हैं जो कई जनजाति कई जो पुरानी जनजातियां हैं उनसे संबंधित हैं, उनके यहाँ क्या मिलेगा आपको, उनके यहाँ यह टंगा हुआ मिलेगा, मगरमच्छ यहाँ पे टंगा हुआ मिलेगा बच्चे, ठीक, बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोस्त बिल्कुल सही है आप सबका, बिल्कुल सही है उत्तर, ठीक। सेंट्रल अफ्रीका हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द नाइल क्रोकोडाइल्स, बिल्कुल दोस्त दुनिया के सबसे बड़े खूंखार क्रोकोडाइल्स कहाँ, सेंट्रल अफ्रीका, जिनका नाम क्या है बेटे, नायल यानी नील नदी के मगरमच्छ, याद ही होगा नील नदी के मगरमच्छ बच्चे, ठीक। द साउथ ईस्ट एशियन आइसलैंड ऑफ बोर्नियो आल्सो हैज लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एस्चुराइन क्रोकोडाइल, ठीक। तो बोर्नियो भी क्या है दोस्त, बोर्नियो भी पीछे नहीं है, बोर्नियो में भी देखा जाए तो काफी जो आपके खारे पानी के जो मगरमच्छ हैं वो क्या हैं, वो भी पाए जाते हैं, क्योंकि आबादी काफी ज्यादा है कहाँ, बोर्नियो में, आबादी काफी ज्यादा है कहाँ, बोर्नियो में, ठीक है बेटे, ठीक। चले गुड मॉर्निंग अंजलि, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक। आगे चलते दोस्त,
भैया ये क्या है? ये है आपके नील नदी का मगरमच्छ। आप देख सकते हो इसके आकार प्रकार, ठीक, नील नदी का मगरमच्छ। अब तक का सबसे बड़ा मगरमच्छ नील नदी का जो पाया गया, इंडोनेशिया में रखा गया, लेकिन वो मर गया। कितना लंबा था किसी को पता है? कितना लंबा था बेटे किसी को पता है? कितना लंबा था किसी को पता है? नहीं पता होगा। 28 फीट का, ठीक बेटे, 28 फीट लंबा था दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे। तो आगे क्या है दोस्त? बिल्कुल आपको पता है तो नहीं पता है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको पता बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको पता बिल्कुल भी नहीं होगा बेटे। 18 फीट शायद नहीं बना ना, 28 था बेटे, 28 था, आपने 10 फीट कम कर दिया। ठीक, आपने 10 फीट कम कर दिया बच्चे, 28 फीट था, 28 फीट। ठीक, याद रखिएगा, 28 फीट का मगरमच्छ। तो पता है दोस्त, नहीं पता है तो जान लीजिए, खारे पानी के मगरमच्छ के लिए बौला परियोजना चलाई गई थी। बौला परियोजना याद रखिएगा, उड़ीसा सरकार द्वारा बौला परियोजना। ठीक दोस्त, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, बौला परियोजना किसने चलाया था बेटे? बिल्कुल उड़ीसा सरकार ने, किसके लिए? खारे पानी के मगरमच्छों के लिए। ठीक, बौला परियोजना, बहुत बढ़िया, बौला परियोजना बच्चे। ठीक, बौला परियोजना चलाई गई थी। ठीक, बौला किसको बोला जाता है दोस्त? मगरमच्छ को उड़िया में, बिल्कुल दोस्त, बौला बोला जाता है। बौला मतलब मगरमच्छ, बौला मतलब मगरमच्छ, उड़िया में बौला का मतलब मगरमच्छ। 1977, बिल्कुल बच्चे, 1977 में यह परियोजना चलाई गई थी। ठीक बेटे, अब घड़ियाल से संबंधित अन्य परियोजनाओं की बात कर लें, तो केवल आपका क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम ही नहीं लाया गया 1975 में, इसके अलावा अन्य देखा जाए छोटी छोटी परियोजनाएं चलाई गई इनके संरक्षण के लिए। जैसे किसकी बात करें? घड़ियाल एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक दोस्त, ये चलाया गया। बौला परियोजना दंगमाल में चलाया गया। मगर प्रोजेक्ट एट रामतीर्थ में, ठीक, रामतीर्थ में क्या किया गया बेटे? रामतीर्थ में क्या चला गया? रामतीर्थ में आपका देखा जाए तो मगर प्रोजेक्ट, ठीक, मगर प्रोजेक्ट चलाया गया। घड़ियाल प्रोजेक्ट एट टीकड़ापाड़ा, ठीक दोस्त, टीकड़ापाड़ा में घड़ियाल प्रोजेक्ट चलाया गया। टीकड़ापाड़ा में घड़ियाल प्रोजेक्ट चलाया गया और वहीं कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ क्रोकोडाइल्स भी की गई। ठीक, यानी कि इनको बंधक बना के, इनको देखा जाए क्या करके, कैद करके इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग कराई जाए। ठीक, उड़िया में इनको कुंभीर कहा जाता है। थैंक यू आराधना, थैंक यू बच्चे, कुंभीर याद रहेगा नाम, कुंभीर, बिल्कुल दोस्त। सर यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स क्लियर हो गए हैं एंड यूपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो गया है सर, मेंस की तैयारी कहां से करें? अच्छा जी, विहान सिंह कर रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं दोस्त। बौला परियोजना 1974, अच्छा बिल्कुल दोस्त। चले आगे चलते दोस्त, आगे चलते हैं। तो क्रोकोडाइल सेंसस की बात आती है। ठीक, अब तक हमारे पास कितना था बेटे? 1974 में ये क्या थे? समाप्त होने वाले थे। 195 या 175 के आसपास इनकी संख्या बची हुई थी। ठीक, अब देखा जाए, बिल्कुल दोस्त, तो भीतर कनिका में 2020 में क्या किया गया? भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान में क्या की गई? यहां पे मगरमच्छों की जनगणना की गई। ठीक, अब यहां पे देखा जाए तो कुल मिला के कितना बेटे? 1742 मगरमच्छ क्या हुए? प्राप्त हुए। 1742 मगरमच्छ प्राप्त हुए, यानी 1742 मगरमच्छ, यानी अच्छी खासी संख्या इनकी क्या हो गई दोस्त? बढ़ गई जी, अच्छी खासी संख्या इनकी बढ़ गई है दोस्त। 1977 बौला परियोजना, बिल्कुल दोस्त, 1977 बौला परियोजना। ठीक, अब देखा जाए तो यहां पे एल्बिनो मगरमच्छ भी प्राप्त हुए। ठीक, 12 एल्बिनो मगरमच्छ भी क्या हुए? प्राप्त हुए बेटे। एल्बिनो मगरमच्छ याद ही होगा, अब तक आपने घड़ियाल देखा, मगर देखा, घड़ियाल और मगरमच्छ देखा, तीन देखी, अब एल्बिनो भी आ गए, अब एल्बिनो भी आ गए। एल्बिनो भी क्या है दोस्त? एल्बिनो मगरमच्छ भी आपकी एक प्रजाति है, मगरमच्छों की एक प्रजाति है जो बहुत रेयर है, दुर्लभ है, कहां? भारत में। ठीक, बहुत दुर्लभ है भारत में। तो उड़ीसा के भीतर कणिका में एल्बिनो प्रजाति भी पाई गई। ठीक, और ये जो प्रजाति होती है दोस्त, ये देखा जाए तो ये श्वेत रंग की होती है, सफेद रंग की होती है, और जो बिल्कुल दोस्त यहाँ पे देखा जाए, एक दुर्लभ एल्बिनो खारी पानी का मगरमच्छ देखा और उसका उसको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद उसका नाम रखा
भैया योर नेम इज श्वेता, ठीक। एक मादा मगरमच्छ थी, उसका नाम क्या रखा? श्वेता रखा, ठीक। हाँ बिल्कुल दोस्त, श्वेता रखा। इसके पहले भी देखा जाए, बिल्कुल दोस्त, इसके पहले भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके पहले भी हैचरी में, यानी कि प्राकृतिक रूप से नहीं, हैचरी में कैप्टिव ब्रीडिंग के जरिए एल्बिनो मगरमच्छ पैदा किए। श्वेता, ठीक, इन्होंने पकड़ा कहाँ? भीतर कनिका में। हैचरी में जो पैदा किया उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा गोरी, ठीक। उसका नाम रखा गोरी, ठीक, उसका नाम रखा गोरी। और 2005 में एक पैदा हुई, उसका नाम रखा मल्ली, ठीक, उसका नाम रखा मल्ली। अब अगर किसी बच्चे ने एक मूवी देखी होगी RRR, ठीक, RRR मूवी देखी होगी किसी ने, तो उस छोटी बच्ची का नाम याद आ गया होगा आपको, ठीक, जिसके चलते कौन, जो जंगल में रहते थे भाई साहब, वो कहां पहुंचे? शहर पहुंचे। उसी का नाम था मल्ली। याद है कि नहीं याद है? याद होना चाहिए, ठीक बच्चे, उसी का नाम है मल्ली। एल्बिनो मगरमच्छ की बात करें बेटे, तो ये रहा क्या, ये रहा एल्बिनो मगरमच्छ आपका, ये एल्बिनो मगरमच्छ रहे। ये दुर्लभ होते हैं, सफेद रंग के होते हैं, और इनका सफेद रंग विकसित होने में थोड़ा समय लगता है, ठीक, थोड़ा समय लगता है बच्चे, याद रखिएगा, थोड़ा सा समय लगता है इनके सफेद रंग को विकसित होने में, ठीक। अब मगरमच्छ की प्रजाति पढ़ रहे हैं तो टोमिस्टोमा को ना पढ़े तो विज्ञान अधूरा है आपका। तो टोमिस्टोमा क्या है बेटे? टोमिस्टोमा भी एक मगरमच्छ की प्रजाति है। टोमिस्टोमा एक मगरमच्छ की प्रजाति है, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, और ये बेचारे नकली मगरमच्छ कहे जाते हैं। नकली मगरमच्छ कहे जाते हैं, क्यों कहे जाते हैं भैया? क्योंकि ये शर्माते हैं, ठीक। अब आप सोच रहे हो, इतने बड़े बड़े दांत, खूंखार चीज, शर्माए, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल दोस्त, ये क्या है, ये शर्माते हैं, ये शर्मीले होते हैं, याद रखिएगा। मानव आबादी से दूर रहते हैं, मानव की हलचल पाते ही अगर ये बैठे हैं, आप चले जाइए, ये गायब हो जाएंगे, छूमंतर, यानी कि ये भाग जाएंगे आपको देखते ही। चर्चा में इसलिए आया कि भैया इन्होंने क्या किया, इन्होंने आक्रमण किया किस पे? मनुष्यों पे। क्यों किया भैया? क्योंकि इनके आवासों का अतिक्रमण किया गया, इनके आवासों का अतिक्रमण किया गया। बिल्कुल बेटे, अपने लिए भी समय निकालिए, थोड़ा सा मूवी देखिए, अपने लिए भी समय निकालिए, मूवी देखिए, ठीक, कुछ ऐसी चीजें करिए, गतिविधियों में भाग लीजिए, ठीक। नाटू नाटू सुना है? बिल्कुल, बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया, ऑस्कर मिला उस पर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए। कुछ मूवी का नाम बताया था मैंने आपको, कृपया वो आप लोग जाके देखिए उस मूवी को, ठीक। तो उस चीजें जो है आपको समझ में आएंगी, ठीक, चीजें समझ में आएंगी। अब आप लोग कौन सी मूवी देखते हो कि बस नहीं, मूवी शुरू हुई, लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, प्यार होता है, बीच में उनके बाप दीवार बनते हैं, बीच में बहुत सारी चीजें होती है, घर से भाग जाती है, लास्ट में मिल जाते हैं, पूरा परिवार मिल जाता है, मूवी खत्म, प्यार खत्म, सब खत्म। ये सब मूवीज पसंद आती हैं आप सबको। आर्ट मूवीज देखिए बच्चे, आर्ट मूवीज आपके समाज का दर्पण होती हैं, ठीक, आपके समाज का दर्पण होती हैं। पार्श्ड मूवी है वो जाके देखो, कोर मूवी है, साइंटिफिक मूवी है उसको जाके देखो, ग्रेविटी है, ऑस्कर मिला उसको, उसको जाके देखो, 2012 है उसको जाके देखो। दीपक कह रहे मूवी देखने का टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल बच्चे, देखने का टाइम निकालना पड़ेगा, अपने लिए भी समय निकालना पड़ेगा बच्चे आपको। ऐसी चीजें नहीं करनी है कि बस अपना व्यक्तित्व, अपने व्यक्तित्व का विकास स्वयं होता है, कोई आपके व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, आपके व्यक्तित्व का विकास स्वयं होगा बच्चे। और ये सब मूवीज हैं, जो अच्छी अच्छी मूवीज हैं उसको आप देखिए, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक बच्चे, बिल्कुल। तो टोमिस्टोमा मगरमच्छ, ये नकली मगरमच्छ कहे जाते हैं, ठीक, याद रखिएगा। ये क्या है दोस्त? ये मगरमच्छ की शर्मीली प्रजाति है, ठीक, मगरमच्छ की शर्मीली प्रजाति है। और बेटे इनको क्या कहा जाता है? इनको नकली घड़ियाल भी कहा जाता है, नकली घड़ियाल भी कहा जाता है, ठीक, बिल्कुल। प्राकृतिक आवास में ताड़ के तेल, बागान लगाना, अवैध सोने के खनन करना, इससे क्या हो रहा है बेटे? इससे इनके जो आवास है, इनका जो हैबिटेट है, ठीक,
इनका जो हैबिटेट है वो क्या हो रहा है, इसका नुकसान हो रहा, इसलिए इन्होंने क्या किया, आक्रमण किया। ठीक, फेक एलिगेटर, बिल्कुल बिहान, बिल्कुल बेटे, फेक एलिगेटर कहा जाता है बेटे। ठीक, रोबोट कई बार देखी है, हाँ देखा, कितने चलाक हो आप लोग, रोबोट देखी रजनीकांत की, रोबोट को भी क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है, हद है यार, मतलब जहां प्यार घुसा हो वहां जरूर देखना है चीजें आपको, थोड़ा सा वास्तविकता में आओ बच्चे, कुछ ऐसी चीजें देखो जो आपके काम की हो। हाँ बिल्कुल, आवास नष्ट करना, बिल्कुल आराधना शर्मिला है, आवास नष्ट करना। और IUCN की रेड लिस्ट में देखा जाए, ठीक दोस्त, IUCN की रेड लिस्ट में ये क्या है बेटे, ये इंडेंजर्ड है। ठीक, ये इंडेंजर्ड में रखे गए हैं, याद रखिएगा, ये टोमिस्टोमा जो मगरमच्छ है, ये क्या है, इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखे गए। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या है बेटे, राइनो पढ़ लिया था आपने, राइनो पढ़ लिया था, कोई बात नहीं, राइनो पढ़ लिया था, अच्छी बात है। ठीक, अब आते हैं किसमें दोस्त, अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट सी टर्टल पे। ठीक, अब आते हैं किस पे, प्रोजेक्ट सी टर्टल पे। ठीक, प्रोजेक्ट सी टर्टल पे बात करेंगे दोस्त, हम किस पे बात करेंगे, इन समुद्री कछुओं पे बात करेंगे। UPSC ने प्रश्न पूछा था ना कि भाई कुछ समुद्री कछुए क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, तो ये क्या है, ये आपका ग्रीन टर्टल है बेटे, केवल और केवल यही क्या है, शाकाहारी है, बाकी सारे के सारे मांसाहारी है। ओलिव रिडले जो बड़े प्यारे दिखते हैं ना, बड़ी प्रोजेक्ट ओलिविया चला रखा उनके लिए, ओलिव रिडले को क्या करते हैं, बहुत संरक्षण प्रदान करते हैं गहरीमाथा में, गंजाम जिला, उड़ीसा, वो मांसाहारी होते हैं। ठीक बच्चे, वो मांसाहारी होते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं दोस्त। ठीक, मशीन को कैसे प्रेम हो सकता है, सही बात कहा बच्चे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है ना, पता है कि नहीं, बिल्कुल। चलिए तो प्रोजेक्ट सी टर्टल देखते हैं दोस्त, प्रोजेक्ट सी टर्टल देखते हैं। तो सबसे पहले तो भैया आप क्या देखो, बिल्कुल ये कितने खूबसूरत हैं, ये कितने खूबसूरत हैं बच्चे। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, हर जीव मायने रखता है, हर जीव मायने रखता है, इनका शिकार किया जाता है, इन खूबसूरत जीवों का शिकार किया जाता है बच्चे, किसके लिए, केवल और केवल इनकी सेल्स के लिए, इनके ऊपर जो खोल लगे हैं इनके लिए। ठीक, इनके ऊपर जो खोल लगे हैं इनके लिए। ठीक, बिल्कुल, तो ये कहा जाए, बहुत आपको बिल्कुल दोस्त ऐसी न्यूज मिल जाएंगी आपको। ठीक, ऐसी न्यूज मिल जाएंगी, भैया ब्रीडिंग सक्सेस रेट क्या रही, अराउंड 80-90% रही। ठीक, कितने कछुए भाग, मतलब कछुए समुद्र पे इकट्ठा हुए कि नहीं इकट्ठा हुए, एवरेज निकाला जाता है उसका, बहुत सारी चीजें की जाती है इन कछुओं के संरक्षण के लिए। ठीक, इनका तस्करी भी की जाती है बेटे, बिल्कुल इनकी तस्करी भी की जाती है। ठीक, इनकी तस्करी भी की जाती है। ठीक, और बिल्कुल दोस्त देखा जाए तो ये जो समुद्री कछुए होते हैं, ये आपके बिल्कुल दोस्त पारिस्थितिकी तंत्र के एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक दोस्त, याद रखिएगा, बिल्कुल समुद्री कछुए क्या है दोस्त, समुद्री कछुए सुंदर और अद्भुत जीव हैं, आपको पता ही दोस्त, सुंदर और अद्भुत जीव हैं। और देखा जाए तो बिल्कुल दोस्त ये बड़े भी होते हैं, ये बड़े भी होते हैं, वजन भी इनका काफी ज्यादा होता है, ये भी याद रखिएगा, बड़े भी होते हैं और इनका वजन भी काफी ज्यादा होता है। ठीक, और देखा जाए तो कुछ कछुए 3 मीटर तक लंबे और देखा जाए 750 किलोग्राम तक के हो सकते हैं, ये वो कछुआ है आपका, 750 किलोग्राम का हो सकता है और 3 मीटर तक लंबा हो सकता है। ठीक, बहुत बढ़िया, बिल्कुल शाबाश दोस्तों, बहुत बढ़िया। ठीक, अब देखा जाए तो कुछ सुंदर होंगे। ठीक, और बिल्कुल दोस्त अब यहाँ पे देखा जाए तो भैया कौन कौन से समुद्री कछुए हैं, किस लिए ये विलुप्त हो रहे हैं, रीजंस क्या है इनके विलुप्त होने का, तो बहुत सारे रीजंस हैं, अवैध रूप से इनकी तस्करी, इनके मांस के लिए इनकी बिक्री, इनके सेल्स के लिए इनकी बिक्री। ठीक, इसीलिए इनकी जो प्रजातियां हैं वो क्या है दोस्त, संकट में आ गई है, इसीलिए इनकी प्रजातियां क्या है दोस्त, संकट में आ गई है। ठीक, अब देखा जाए बिल्कुल दोस्त सी टर्टल की बात करें,
बिल्कुल दोस्त, ये छोटे हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। ये जो कछुए हैं ये छोटे भी हो सकते हैं और विशालकाय भी हो सकते हैं, ठीक। और ये देखा जाए समुद्र के अंदर लंबे समय तक श्वास रोक सकने वाले और हवा में सांस लेने वाले सरीसृप हैं। सरीसृप हैं जो पूरी दुनिया में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जो समुद्र का क्षेत्र है बेटे, वहां पे ये क्या है, पाए जाएंगे, ठीक, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए ये इनका ऊपरी भाग है, यानी जो इनका सेल्स होता है ऊपर का, उनके ऊपर का जो कवच होता है दोस्त, ये क्या है, ये देखा जाए बिल्कुल दोस्त, करापेस से बने होते हैं, ठीक। और ये बहुत महंगे बिकते हैं, बहुत महंगे बिकते हैं। लोग क्या बनाते हैं इसका पता है आपको? लोग कंघियां बनाते हैं, लोग एस्ट्रे बनाते हैं, यानी सिगरेट की राख झाड़ने के लिए एस्ट्रे। सोच सकते हो विलासिता की ये स्थिति या विलासिता का ये स्तर, राख झाड़ने के लिए किसी जीव की हत्या, ठीक। इसीलिए क्या किया गया, इसीलिए इनके संरक्षण का प्रयास किया गया, ठीक, बिल्कुल दोस्त, इसलिए इनके संरक्षण का प्रयास किया गया। अब देखा जाए तो कछुओं की प्रजातियों की बात कर ली जाए तो सारा समुद्री कछुआ, फॉक्सबिल समुद्री कछुआ, लॉगर हेड समुद्री कछुआ, ओलिव रिडले समुद्री कछुआ, कैम्स रिडले समुद्री कछुआ, लेदर बैक समुद्री कछुआ, फ्लैट बैक समुद्री कछुआ, ठीक, 7 प्रजातियां ऐसी हैं जिनका संरक्षण किया जा रहा है, जिन पे हमेशा निगरानी रखी जाती है, ठीक, जिन पे हमेशा निगरानी रखी जाती है बच्चे, ठीक। आगे बात करें, आगे क्या था दोस्त, बिल्कुल, अब भारत में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं तो याद रखिएगा दोस्त, लेदर बैक टर्टल है, हॉक्सबिल टर्टल है, लॉगर हेड टर्टल है, ग्रीन टर्टल है और ओलिव रिडले टर्टल है, ठीक। ये वो 5 प्रजातियां हैं, इनके अलावा छुटपुट और भी हैं लेकिन व्यापक रूप से भारत में ये 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक। कौन से, लेदर बैक टर्टल, हॉक्सबिल, लॉगर हेड, ग्रीन टर्टल और ओलिव रिडले। और ओलिव रिडले के बारे में आप लोग हमेशा सुनते रहते हो, पेपर में पढ़ते रहते हो, न्यूज़पेपर में, ठीक। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चे इन सबके बारे में, इन सबके विषय में। तो ब्लैक सॉफ्ट सिल्क कछुए की बात कर लें। अब आप आ जाइए कहां, अपने गांव के तालाब में, तालाब में आओ भाई, कहीं और नहीं जाना है, तालाब के आसपास ये आपको मिल जाएंगे, तालाब के आसपास ये आपको मिल जाएंगे बच्चे, ठीक। आपने देखा होगा इनको, देखा कि नहीं देखा, पर तो ये बता दो इन कछुओं को देखा है कि नहीं देखा है आपके तालाब के आसपास या फिर आपके कुएं में, अक्सर ये कछुए मिल जाते हैं दोस्त, ठीक। ब्लैक सॉफ्ट सिल्क कछुआ, ये क्या है दोस्त, देखा जाए तो यह मीठे पानी की प्रजाति, यानी कि ये फ्रेश वाटर में रहती है, मीठे पानी की प्रजाति है, निचले ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में पाई जाती है, ठीक। और देखा जाए तो ये भारतीय पिकॉक सॉफ्ट सिल्क कछुए के समान दिखती है, ठीक। ये जो ब्लैक सॉफ्ट सिल्क है ये भारतीय जो आपका पिकॉक सॉफ्ट सिल्क कछुआ है उसकी तरह ये दिखती है। अब संरक्षण की बात कर ली जाए कि भैया इनको संरक्षण प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है, बिल्कुल दोस्त, इनको संरक्षण प्राप्त है, किसमें, IUCN की रेड लिस्ट में। ये क्या है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, याद रखिएगा, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, याद रखिएगा, ठीक, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। साइट्स की परिशिष्ट 1 में इनको रखा गया है, यानी जो आपकी साइट्स है उसकी परिशिष्ट 1 में रखा गया है। साथ साथ WPA की बात कर ली जाए, WPA की जो 1972 की अनुसूची है उसकी श्रेणी 1 में रखा गया है, या उसकी अनुसूची 1 में इनको रखा गया है, ठीक। आपके घर में आ गया था, बिल्कुल बच्चे, उसको जो है आपने क्या गोभी वोभी खिलाई होती, जो पत्ता गोभी होती है ना, बहुत पसंद करते हैं, ठीक, पत्तियां पसंद करते हैं खाना, बहुत बढ़िया, ठीक। अब देखा जाए बिल्कुल, ये जो इनका नाम है, कहा जाए बिल्कुल दोस्त, बयाजिद बोस्तामी मंदिर के नाम पर रखा गया है, ठीक। ब्लैक सॉफ्ट सिल्क की सटीक आबादी का पता लगाने के लिए आवश्यक है कि इनमें बोस्तामी कछुओं से क्या किया जाए, जाना जाए। इनको बोस्तामी कछुआ भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इनको बोस्तामी कछुआ भी कहा जाता है। ब्लैक सॉफ्ट सिल्क जो कछुए होते हैं आपके, इनको बोस्तामी कछुआ भी कहा जाता है, ठीक। सुषमा कह रही है पता नहीं बेटे, अभी आगे चला गया होगा, आपको दिखा नहीं, ठीक। तो ये क्या है बेटे, ये बोस्तामी कछुओं के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं किसकी दोस्त, अब बात करते हैं आपके हॉक्सबिल टर्टल की।
इनकी चोंच अलग होती है बच्चे, ठीक, इनकी चोंच देखेंगे ना, इनकी चोंच जो है इनका मुंह जो है वो चोंच की समान से होता है, यानी कि कठोर से कठोर चीजों को ये क्या कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं, ठीक। इसके बाद हॉकबिल की बात, ठीक, हॉक्सबिल कछुए का नाम उनकी संकीर्ण नुकीली चोंच पे रखा गया है, ठीक, यानी कि इनका नाम किसके आधार पर, इनकी नुकीली चोंच के आधार पर रखा गया है हॉक्सबिल कछुओं का नाम, ठीक बेटे, बिल्कुल। और देखा जाए बिल्कुल उनके गोले पर यानी कि उनके सेल पर, बिल्कुल इनका जो सेल्स है बेटे ये क्या है, ये इनका कवच, इन पे देखा जाए तो एक विशिष्ट पैटर्न होता है जो किनारों पर एक दांतेदार रूप बनाता है। आप यहाँ पे किनारे देखेंगे, किनारे पे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, किनारे पे आपको दांतेदार रूप मिलेगा इनका, ठीक है, चारों तरफ होंगे, ठीक। अब देखा जाए ये रंगीन और पैटर्न वाले गोले उन्हें अत्यधिक मूल्यवान बनाते हैं और आमतौर पर ये कछुए, ठीक, बाजार में इनके खोल बेचे जाते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं दोस्त, इसीलिए ये मारे जाते हैं। इनके जो सेल्स होते हैं इनको बाजार में अधिक मूल्य रूप में, या फिर देखा जाए अधिक मूल्यवान होते हैं, ये बाजार में अधिक मूल्य पे बिकते हैं, इसलिए इनकी मौत होती है या फिर इसलिए इनको इनका शिकार किया जाता है। ये भी देखा जाए आयुष्मान की रेड लिस्ट में क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक, आयुष्मान की रेड लिस्ट में क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साथ ही साथ WPA 1972 यानी कि आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की सूची में एक में रखे गए हैं। साइट्स की परसिस्ट एक में रखे गए हैं, यानी कि सर्वाधिक शिकार होने वाली की श्रेणी में ये क्या है दोस्त, अग्रणी है। इनको मारा जाता है किसके लिए, इनके कवच के लिए, केवल ऊपरी कवच के लिए इनको मारा जाता है। और देखा जाए तो हाईली प्रोटेक्ट किया गया है इनको, हाईली प्रोटेक्ट किया गया है यानी इनको गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया गया है। इनको भारतीय जो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसकी अनुसूची एक में रखा गया है, ठीक, साइट्स की परिशिष्ट एक में रखा गया है, ठीक बच्चे। अब चलते हैं किसकी बात, ये तो रही हॉक्सबिल की बात, लेदर बैग देख लिया आपने, हॉक्सबिल देख लिया आपने, अब किसकी बात करते हैं दोस्त, अब बात करते हैं आपके खतरे की, भैया इन कछुओं को खतरे क्या क्या हो सकते हैं, ठीक। कछुओं का जो खोल होता है उसका क्या होता है बच्चे, उसका होता है व्यापार, ठीक, उसका होता है व्यापार, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार है, ठीक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, ठीक, कीमत बहुत ज्यादा होती है। इनके अंडों को क्या किया जाता है, इनके अंडों को भी कलेक्ट किया जाता है, ठीक, इनके अंडों को भी बेचा जाता है, इनके अंडों की भी तस्करी की जाती है, बिल्कुल दोस्त। इससे क्या होते हैं, ये खतरे में आते हैं। मांस के लिए इनका वध किया जाता है, बिल्कुल दोस्त, मांस के लिए भी इनका शिकार किया जाता है, ठीक, मांस के लिए भी इनका शिकार किया जाता है बच्चे। अब बात करें किसकी, जो ऑयल पोल्यूशन है, यानी जो बड़े बड़े टैंकर्स आते हैं, ठीक, बड़े बड़े टैंकर्स आते हैं। अब जैसे भारत की बात कर लीजिए ना, भारत क्या है बेटे, 85% डिपेंडेंट है किस पे, बाहरी आयात पे, ठीक, तेल के, क्रूड ऑयल का जो आयात 85% का कौन करता है, भारत करता है अपना। और देखा जाए अगर खुदा ना खास्ता कोई टैंकर लीक कर गया या कोई टैंकर फट गया तो इससे क्या होता है, ऑयल स्पिल होता है, ऑयल स्पिल होता है, यानी कि आपकी जल के ऊपर क्या होंगे, तेल हो जाएंगे, कच्चा तेल फैल जाएगा। इससे क्या होता है दोस्त, इससे व्यापक पैमाने पर इनका नुकसान होता है, ये मारे जाते हैं, ठीक, ये मारे जाते हैं दोस्त। अब इनका देखा जाए, बिल्कुल दोस्त, इनके घोंसलों का विनाश, ठीक, इनके घोंसलों का विनाश, ठीक। उसके बाद इनके जो चारागाह हैं, यानी ये जहां तक विचरण करते हैं, यानी कि जो होम रेंज है, ठीक, इनका जो होम रेंज है वो क्या है बेटे, बिल्कुल जहां पे अपना भोजन पानी इत्यादि ग्रहण करते हैं, होम रेंज का भी क्या करना, होम रेंज का भी विनाश करना। इसका देखा जाए तो इनकी जनसंख्या में कमी होने का प्रमुख कारण रहा, इनकी जनसंख्या में प्रमुख होने का कारण भी रहा, ठीक। किंग ऑफ एग्जाम्पल करें, हाउ आर यू सर, मैं ठीक हूँ दोस्त, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल चले। सुषमा कह रही है, ओके सर, पूछो सर से कमेंट, अरे बेटे अब क्या करें बेटे, कैसे कमेंट देखे इतना, हाँ लोग इतने घिरे हुए हैं कुछ भी खा जाते हैं, अच्छा जी बिल्कुल दोस्त, कुछ भी खा जाते हैं, कॉकरोच तक खाते हैं, ठीक, कॉकरोच तक खाते हैं बच्चे, छिपकली, कॉकरोच, सांप, तो ये क्या चीज है, ये तो कछुआ है, ठीक, यहां कछुआ है बच्चे,
ठीक। अब मछली पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, मछली पकड़ने के लिए अक्सर आपने देखा होगा जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, बड़े बड़े जो बिल्कुल मछली पकड़ने वाले जहाज होते हैं, मछुआरे जो बड़े पैमाने पर मछलियां पकड़ते हैं, वो बॉटम ट्रॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं। बॉटम ट्रॉलिंग आप लोग जानते हैं, बॉटम ट्रॉलिंग देखा जाए तो बिल्कुल चैन से बधी एक बहुत बड़ा जाल होता है जो समुद्र के तल पे घिसटता हुआ चलता है। इससे क्या होता है दोस्त, इससे भी ये मारे जाते हैं, इससे ये देखा जाए तो इनकी शिकारियों के पकड़ में आते हैं, इससे इनका नुकसान हो रहा है, इससे इनकी जनसंख्या कम हो रही है, इससे इनकी जनसंख्या कम हो रही है दोस्त, ठीक है। बिल्कुल हाँ, ग्रीन टर्टल संस्कारी होता है, ठीक। लॉगर हेड टर्टल की बात करें, लॉगर हेड टर्टल का नाम उनके बड़े सिर पर रखा गया है, ठीक, बड़े सिर पर, और इनका जबड़ा बहुत शक्तिशाली होता है, इनका जबड़ा बहुत शक्तिशाली होता है दोस्त, ठीक, जबड़ा बहुत शक्तिशाली होता है। क्लैम और समुद्री ऑर्चिन, ये क्या है, ये खोल में या सेल्स में रहते हैं। ये क्लैम जो होते हैं आपके समुद्री ऑर्चिन जो होते हैं, ये सेल्स में रहते हैं, इनको फोड़ के इनका शिकार करना इनकी आदत है। किसकी, ये आपके जो लॉगर हेड टर्टल्स हैं, ठीक, लॉगर हेड टर्टल्स हैं, ठीक। अब देखा जाए तो अन्य समुद्र जो कछुए हैं उनकी तुलना में ये मांस या खोल के लिए इनकी शिकार, इनका शिकार नहीं होता, मांस या खोल के लिए इनका शिकार नहीं होता, केवल और केवल ये कहाँ फंसते हैं, ये जाल में फंस के मारे जाते हैं, ठीक, ये जाल में फंस कर मारे जाते हैं बच्चे, ठीक, जाल में फंस कर मारे जाते हैं। और ये देखा जाए कछुए कहाँ कहाँ है, भूमध्य सागर में सबसे आम कछुआ है ये जो लॉगर हेड कछुआ है आपका, भूमध्य सागर में सबसे आम रूप से पाया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक। और ये ग्रीस, तुर्की से लेकर इजराइल, लीबिया तक ये क्या करते हैं, ये घोंसला बनाते हैं अपने, ये अपने घोंसले बनाते हैं, ठीक, ये अपने घोंसले बनाते हैं। आयुसीन की रेड लिस्ट में बेटे ये क्या है, ये सुभेद्य है, और साइट्स की परिशिष्ट में ये एक में रखे गए हैं, साइट्स की परिशिष्ट में एक में रखे गए हैं बेटे। हाँ, जाल होता है लोहे का, बिल्कुल दोस्त लोहे का जाल होता है, बिल्कुल, तुर्की, इजराइल, लीबिया, यहाँ पे ये घोंसले बनाते हैं, भूमध्य सागर में ये रहते हैं बच्चे, ठीक। ये क्या है, ये है आपके लॉगर हेड टर्टल, ये कौन है दोस्त, ये है आपके लॉगर हेड टर्टल, ठीक, याद रखिएगा। बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल दोस्त ये क्या करते हैं, इनका जबड़ा बड़ा शक्तिशाली होता है, जबड़ा इनका बहुत ही शक्तिशाली होता है बच्चे, ठीक, बहुत ही शक्तिशाली होता है। चलिए आगे, बिल्कुल दोस्त, अब बात करें इंडियन नैरो हेडेड सॉफ्ट सेल टर्टल की, ठीक, इसको भी आपने देखा होगा, इसको भी आपने देखा होगा, ये भी अक्सर कहां पाए जाते हैं, आपके तालाबों के आसपास पाए जाते हैं, ठीक, आपके तालाबों के आसपास पाए जाते हैं, कौन, इंडियन नैरो हेडेड सॉफ्ट सेल टर्टल। ये कहां पाए जाएंगे बच्चे, ये देखा जाए तो आपकी सिंधु नदी, सतलज नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, पद्मा, यहां पे इन नदियों में पाए जाते हैं, साथ ही साथ इसके अलावा गोदावरी, नेपाल और बांग्लादेश में भी ये पाए जाते हैं, ठीक। और ये संरक्षण की स्थिति देख ली जाए इनकी अगर, तो आयुसीएन की रेड लिस्ट में इनको कहां रखा गया बेटे, आयुसीएन की रेड लिस्ट में इनको इंडेंजर्ड की श्रेणी में, यानी संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है, ठीक, संकटग्रस्त है ये, संकटग्रस्त है, और वही वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में इनको रखा गया है। साइट्स की परिशिष्ट दो में रखा गया है, याद रखिएगा, साइट्स की परिशिष्ट दो में इनको रखा गया है, ठीक बच्चे, बहुत बढ़िया। मेरे घर के पास रहते हैं सर, अच्छा हाँ बिल्कुल बेटे, आपके घर के पास रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्त, ठीक। अब किसकी बात करें, अब बात कर ले एक ऐसे न्यूज की जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, या फिर जो आपके यूपीएससी के एग्जाम के टर्म से बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी यहाँ पे आपको टारगेट करेगा। बंगाल में एक कछुआ पाया जाता है जिसको कहते हैं क्या बेटे, रेड क्राउन हेडेड, ठीक, रेड क्राउन टर्टल्स बोलते हैं उसको, लाल मुकुट वाला या लाल मुकुट वाला कछुआ, ठीक, लाल टोपी वाला या लाल मुकुट वाला कछुआ, ठीक, रेड क्राउन रूफ टर्टल। तो भारतीय वन जीव संस्था यानी कि बिल्कुल दोस्त वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार लाल मुकुट वाला कछुआ भारत, नेपाल और बांग्लादेश का मूल निवासी है, और व्यापक रूप से यह गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में पाया जाता है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय चंबल नदी घड़ियाल अभयारण्य में एकमात्र भौगोलिक संकेतक है जहां प्रजातियां पर्याप्त संख्या में इनकी पाई जाती है, जहां इनकी प्रजातियां पर्याप्त संख्या में पाई जाती है, कहां, चंबल नदी घड़ियाल अभयारण्य बेटे, ठीक दोस्त, चंबल घड़ियाल जो अभयारण्य है आपका, राष्ट्रीय चंबल नदी घड़ियाल अभयारण्य में, ठीक। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये क्या है बच्चे,
ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं और साइट्स की परिशिष्ट दो में इनको रखा गया है। ये क्या है IUCN की रेड लिस्ट में, क्या है बेटे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक, अब याद रखिएगा इनको क्या कहा जाता है, इनको बटागुर कछुआ भी कहा जाता है। ठीक, बटागुर कछुआ, ठीक, बटागुर कछुआ। अभी आपने क्या पढ़ा, साइट्स की परिशिष्ट दो में रखा गया है। अभी साइट्स का सम्मेलन हुआ था कहां, पनामा में। ठीक, तो भारत के दो कछुए थे जिनको साइट्स की परिशिष्ट दो से हटाकर एक में रखा गया, यानी इनका प्रमोशन कर दिया गया। प्रमोशन करने का मतलब समझते हो आप दोस्त, इनकी आबादी खतरे में है, इनकी आबादी खतरे में है बच्चे, इनकी आबादी क्या है दोस्त, खतरे में है। ठीक, इनकी आबादी खतरे में है। ये रही वो न्यूज जिसे बताया गया बेटे कहां, पनामा में हुआ क्या, 19वां साइट्स का कॉन्फ्रेंस हुआ। ठीक, 19वां कॉन्फ्रेंस पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई किसकी बेटे, कोप 19 का हुआ पनामा में, किसका बेटे, साइट्स का। ठीक, साइट्स का कोप 19 का हुआ पनामा में। और इनमें देखा जाए भारत के दो कछुए जिनमें आपका एक कौन था बेटे, जिनमें से आपका एक रेड क्राउन, रेड हेडेड क्राउन, रेड क्राउन रूफ टर्टल था। ठीक, रेड क्राउन रूफ टर्टल जिसको बटागुर कछुआ भी कहते हैं, और दूसरा लीथ सॉफ्ट सिल्क कछुआ। ठीक, लीथ सॉफ्ट सिल्क कछुआ, ये क्या है बेटे, इनको साइट्स की परिशिष्ट दो से उठाकर, ठीक, पहले ये कहां थे, पहले साइट्स की परिशिष्ट दो में थे, अब इनको साइट्स की परिशिष्ट एक में रखा गया है। साइट्स की परिशिष्ट एक में इनको रखा गया है दोस्त, क्यों, क्योंकि इनके विलुप्त होने का खतरा है। ठीक, इनको विलुप्त होने का खतरा बताया जा रहा है इनका, बहुत बढ़िया, विलुप्त होने का खतरा इनका बना हुआ है। ठीक बच्चे, अब चलते हैं ग्रीन टर्टल पे। ग्रीन टर्टल पे याद रखिएगा, ये बहुत खास कछुआ है, ये बहुत खास कछुआ है। ठीक दोस्त, याद रखिएगा, ये समुद्री कछुए में से एक है, बड़े समुद्री के जो कछुए होते हैं उनमें से एक है, बड़े होते हैं, आकार में काफी बड़े होते हैं। ठीक, और यही ऐसा कछुआ है जो क्या है दोस्त, शाकाहारी है। यही जो आपका ग्रीन टर्टल है, यही एकमात्र ऐसा कछुआ है जो शाकाहारी है। बाकी सारे के सारे कछुए क्या है, सारे के सारे कछुए जो है आपके क्या है बेटे, मांसाहारी है। सारे के सारे कछुए मांसाहारी है बच्चे। ठीक, अब देखा जाए ये जो कछुए हैं, ठीक दोस्त, ये जो कछुए हैं ये ग्रीन दिखते हैं, ठीक दोस्त, ये हरे रंग के दिखते हैं, और मुख्य रूप से देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल में ये पाए जाते हैं। ठीक, अन्य समुद्री कछुओं की तरह ये खाने के मैदानों और समुद्र के तटों के बीच लंबी दूरी तय करते हैं। ठीक, लंबी दूरी कर, यानी कि देखा जाए ये प्रवास लंबा करते हैं, लंबा प्रवास करते हैं अपने जीवन काल को आगे बढ़ाने के लिए या भोजन प्राप्त करने के लिए। ठीक, ये प्रवास करते हैं, जहां पैदा होंगे वहां से चलेंगे, और बिल्कुल दोस्त रास्ते में जहां भी इनको खाना मिलेगा खाएंगे, आवास करेंगे, फिर आगे प्रवास करेंगे। ठीक, हाँ बिल्कुल दोस्त, ये प्रशांत महासागर में ज्यादा है, बिल्कुल दोस्त, ये प्रशांत महासागर में ये ज्यादा है। ठीक, और देखा जाए तो इनको काला कछुआ भी कहा जाता है। ठीक, इनको काला कछुआ भी कहा जाता है। ठीक, इनको काला कछुआ भी कहा जाता है। ठीक, प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले ये कौन बेटे, प्रशांत महासागर के अलावा अन्य में भी पाए जाते हैं ये ग्रीन टर्टल्स। प्रशांत महासागर के किनारे जो एक आदिवासी जनजाति रहती है, इनको क्या कहती है, काला कछुआ कहती है। काला कछुआ यानी कि काले कछुए के नाम से भी ये फेमस है। ठीक, काले कछुए के नाम से भी ये फेमस है। ठीक, बिल्कुल, और देखा जाए बिल्कुल वही दोस्त, सबसे बड़ा संकट क्या है इनके सामने, सबसे बड़ा संकट देखा जाए तो क्या है, सबसे बड़ा संकट है इनके सामने क्या बच्चे, केवल और केवल मछली पकड़ना। मछली पकड़ने वाले जो गियर्स होते हैं, जो बॉटम ट्रोलिंग होती है, उसमें फंस कर ये मारे जाते हैं, उसमें फंस कर ये मारे जाते हैं बच्चे। ठीक, हाँ, उसमें फंस कर ये मारे जाते हैं। अब इनके संरक्षण की स्थिति देख ली जाए, भैया ये कितने संरक्षित किए गए हैं। सबसे पहले बात करें किसकी बेटे, बात करते हैं IUCN की। तो ये जो ग्रीन टर्टल्स हैं आपके IUCN की रेड लिस्ट में, ये क्या है, इंडेंजर्ड घोषित किए गए हैं। क्या घोषित किए गए हैं, इंडेंजर्ड, यानी संकटग्रस्त की श्रेणी में इनको रखा गया। ठीक दोस्त, किसकी श्रेणी में दोस्त, संकटग्रस्त श्रेणी में। ठीक, IUCN की बात कर लीजिए, IUCN के किस में रखा गया बेटे, इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है, यानी ये क्या है, ये है आपके संकटग्रस्त।
ठीक संकटग्रस्त है। फिर बात करें वहीं WPA 1972 की, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की, तो WPA में देखा जाए कहां रखे गए बेटे, अनुसूची एक में रखे गए, ठीक अनुसूची एक में इनको रखा गया बच्चे, ठीक अनुसूची एक में। अब साइट्स की बात कर लीजिए, साइट्स के परिशिष्ट एक में इनको जगह दी गई है, ठीक यानी इनको देखा जाए साइट्स की परिशिष्ट एक में इनको जगह दी गई है, यानी हाईली प्रोटेक्टेड है ये कछुए, हाईली प्रोटेक्टेड है, ठीक हाईली प्रोटेक्टेड है, ठीक बच्चे बहुत बढ़िया शाबाश। अब चलते दोस्त कहां, अब चलते हैं आगे सी टर्टल अपने प्रोजेक्ट पे। अभी तक तो हम कछुआ ही पढ़ रहे थे, अब आते हैं अपने असली चीज पे, भैया हमारा सी टर्टल प्रोजेक्ट कब लाया गया, क्यों लाया गया, किसके लिए लाया गया, बहुत सारी चीजें, ठीक तो देखा जाए लाया कब गया बच्चे, लाया कब गया कौन बताएगा, भैया सी टर्टल प्रोजेक्ट कब लाया गया कौन बताएगा, कौन बताएगा बच्चे, कौन बताएगा कब लाया गया, 1999 प्रभु सामने लिखा है, बिल्कुल पूजा करी 99 में, दीपक गोविंद आराधना शाबाश बच्चे बहुत बढ़िया, 1999 में ये लाया गया, लवासना करे 99 में, गोविंद साधना श्रद्धा विशाल सोनी करे 99 में, बहुत बढ़िया शाबाश दोस्तों, कृष्णा 1999 में, ठीक चले आगे, बिल्कुल दोस्त 1999 में ये क्या गया, 1999 में ये आपका सी टर्टल प्रोजेक्ट लाया गया, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, ठीक UNDP और भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से। यहाँ पे तीन चीजें हैं आपकी याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की दोस्त UNDP है यहाँ पे आपका, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ EFCC है, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है आपका, और कौन दोस्त भारतीय वन जीव संस्थान यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, इन्होंने मिलकर क्या लाया 1999 में सी टर्टल प्रोजेक्ट, ठीक सी टर्टल प्रोजेक्ट। तो तीन चीजें यहां पे क्या है बेटे इंक्लूडेड है, तीन चीजें इंक्लूडेड है ये याद रखिएगा, तीन चीजें यहां पे इंक्लूडेड है। अब देखा जाए तो इनका उद्देश्य क्या था, कछुओं के जो प्रजनन क्षेत्र हैं उनको क्या करना, उनको सुरक्षित करना, कछुए के जो प्रजनन क्षेत्र हैं उनको सुरक्षित करना, वहां पे कोई असुविधा ना हो, वहां पे देखा जाए कोई अतिक्रमण ना हो, ठीक बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जो इनके नेस्टिंग को यानी कि इनके घोंसले बनाने को या फिर इनके प्रजनन करने के जो स्थल हैं वो क्या करें, वो असुविधा उत्पन्न ना करें, वो असुविधा उत्पन्न ना करें बेटे, ठीक। साथ ही साथ देखा जाए विकास और निगरानी के लिए क्या करता है दोस्त, धन भी जारी करता है, इस प्रोजेक्ट में धन भी जारी किया जाता है इनके विकास के लिए, इनकी निगरानी के लिए, ठीक। अब देखा जाए बिल्कुल दोस्त, तो इसमें ओलिव रिडले कछुओं के घोंसले के इलाके की सैटेलाइट विधि से जांच की जाती है, यानी कि हम सब चीजों से पेट्रोलिंग भी करते हैं, साथ ही साथ सैटेलाइट या भी देखा जाए रिमोट सेंसिंग भी करते हैं, ठीक इन सब के माध्यम से हम इन कछुओं के बारे में क्या कर रहे हैं, जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं, हम इन कछुओं के संरक्षण की स्थिति का पता कर रहे हैं, हम इन कछुओं की जनसंख्या का पता कर रहे हैं, ठीक सारी चीजें कर रहे हैं। 1999 में लाया गया क्या प्रोजेक्ट सी टर्टल, ठीक सी टर्टल प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं ओलिव रिडले कछुए की, बहुत नाम सुन लिया आपने ओलिव रिडले कछुए का, ठीक काफी सारा नाम सुन लिया, बिल्कुल आईएएस एस्पायरेंट गुड मॉर्निंग दोस्त, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है बच्चे बहुत बढ़िया। तो अब ये समुद्री जो कछुआ है देखा जाए इसका जो खोल होता है यानी इसका जो कलर होता है, इसका जो सेल्स होता है या कलर पूरा का पूरा कलर जो है वो जैतूनी रंग का होता है या जैतून हरा रंग का होता है, ठीक। अब देखा जाए सबसे ज्यादा इनकी जनसंख्या है यानी कि समुद्र में पाए जाने वाले जितने कछुए हैं आपके उनमें सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, ओलिव रिडले की है, ठीक ओलिव रिडले की है, याद रखिएगा दो तथ्य यहाँ पे भूलिएगा मत कभी, दो तथ्य हमेशा याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, ओलिव रिडले की, और सबसे छोटे कौन होते हैं, ओलिव रिडले, ठीक और ये मांसाहारी होते हैं,
याद रखिएगा, ये तीन चीजें याद रखिएगा, ये मांसाहारी होते हैं दोस्त, ठीक, ये मांसाहारी होते हैं। अब देखा जाए सबसे छोटे प्रजाति होती है, बिल्कुल सबसे छोटी प्रजाति होती है, ये मांसाहारी होते हैं, और ये अरिबाडा नामक अपने अनूठे सामूहिक घोंसले के लिए जाने जाते हैं। यानी जैसे हम बात करें किसकी दोस्त, हम बात करें गहीरमाथा तट की, ठीक, वहां पर देखा जाए इनकी नेस्टिंग साइट्स हैं, नेस्टिंग साइट है, और यही नेस्टिंग साइट सामूहिक रूप से क्या कहलाती है, अरिबाडा कहलाती है, ठीक, यही नेस्टिंग साइट क्या कहलाती है बच्चे, अरिबाडा कहलाती है। बिल्कुल 1980 में बिल्कुल दोस्त सर जी जैतून का भी ऑयल मिलता है, हाँ बेटो जैतून का ऑयल मिलता है, जैतून का ऑयल मिलता है, उसमें खाना पकाइए, हेल्दी रहेंगे, ठीक बेटे, हेल्दी रहेंगे, ठीक। अब ये देखा जाए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और जो आपका हिंद महासागर है, इसके गर्म जल में पाए जाते हैं, ठीक, इसे गर्म जल में पाए जाते हैं। और उड़ीसा का गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य को समुद्री कछुओं की दुनिया का सबसे बड़ा प्रजनन स्थली बोला जाता है, ठीक, जो गहीरमाथा क्या है दोस्त, गहीरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेटे, इसको दुनिया का सबसे बड़ा क्या बेटे, सबसे बड़ा कछुओं की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली के रूप में जाना जाता है, ठीक, याद रखिएगा कछुओं की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली कहाँ है पूरी देश पूरी दुनिया में, तो वो कहाँ है दोस्त, वो है आपके उड़ीसा के गहीरमाथा का तट, उड़ीसा के गहीरमाथा का बिल्कुल दोस्त राष्ट्रीय अभयारण्य, याद रखिएगा, ठीक। गर्म पानी में होते हैं बिल्कुल दोस्त, 1980 शाबाश, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए आगे। तो इनके संरक्षण की स्थिति भी देख लेते हैं दोस्त, हमने ओलिव रिडले की बात की, ठीक, ओलिव रिडले की, ठीक, ओलिव रिडले की बात की। अब देखा जाए तो जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसके शेड्यूल एक में, यानी कि उसकी अनुसूची एक में इनको रखा गया है, उसकी अनुसूची एक में इनको रखा गया है बच्चे, ठीक। अब बात करते हैं किसकी दोस्त, बात करें आपके आयुष्यन की रेड लिस्ट की, ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये सुभेद्य है, बिल्कुल सुभेद्य है दोस्त, इतनी ज्यादा इनकी जनसंख्या है, अभी कोई संकट इनमें आने वाला नहीं है, हालांकि संकट आते हैं लेकिन समाप्त नहीं होंगे, बहुत ज्यादा जनसंख्या है इनकी, उसके बावजूद भी इनको अपेंडिक्स वन में, साइट्स के अपेंडिक्स वन में रखा गया है, ठीक, साइट्स के अपेंडिक्स वन में इनको रखा गया है बच्चे, बिल्कुल याविद जी स्वागत है बेटे, बहुत बहुत स्वागत है आपका, ठीक। चलिए अब किसकी बात करें, अब बात करते हैं ऑपरेशन ओलिविया की, ठीक, ऑपरेशन ओलिविया 1980, ठीक बच्चे, 1980 यानी कि आपके कछुआ संरक्षण प्रोग्राम जो लाया गया था 1999 में, उससे पहले कहीं पहले, उससे कहीं पहले बच्चे, ठीक, उससे कहीं पहले लाया गया था क्या, ऑपरेशन ओलिविया, किसके लिए, केवल और केवल ये आपके ओलिव रिडले कछुओं के लिए चलाई गई एक परियोजना थी, ठीक, याद रखिएगा 1980 प्रोजेक्ट ओलिविया, याद रखिएगा, ठीक, ऑपरेशन ओलिविया, सॉरी ऑपरेशन ओलिविया। अब किसके द्वारा चलाया जाता है ये भी याद रख लीजिए, ठीक, भारतीय तटरक्षक दल द्वारा, ठीक, भारतीय जो तटरक्षक दल हैं उनके द्वारा चलाया गया था यह प्रोग्राम प्रोजेक्ट ओलिविया, बिल्कुल दोस्त प्रोजेक्ट ओलिविया या फिर ऑपरेशन ओलिविया, कब, 1980 के दशक की शुरुआत में, ठीक। अब ये क्या करते दोस्त, देखा जाए तो ये आपका जो प्रोजेक्ट ऑपरेशन ओलिविया है 1980 का, इसके अंतर्गत जो आपके ओलिव रिडले कछुए हैं इनके घोंसलों की रक्षा करना, इनके घोंसलों की निगरानी करना, ठीक है बेटे, इनके घोंसलों की निगरानी करना, ठीक। और देखा जाए बिल्कुल दोस्त, तो यहाँ पे क्या करते दोस्त, एक तो ओलिविया यानी ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा में क्या करता है, मदद करता है, इनकी घोंसलों की निगरानी करता है, ठीक, प्रजनन तथा घोंसलों के शिकार के लिए उड़ीसा तट पर इकट्ठा होते हैं, ठीक है दोस्त, कोई बात नहीं। उसके बाद देखा जाए तो यह अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों को भी रोकता है, यानी उस क्षेत्र में जहाँ ये ओलिव रिडले कछुए पाए जाएंगे वहां पे मत्स्यन बैन होगा, आप मछली पकड़ने वहां पे नहीं जा सकते, ठीक, मछली पकड़ने आप वहां पे नहीं जा सकते। नवंबर से मई तक की बात करी जाए बिल्कुल दोस्त, तो भारतीय तटरक्षक जो बल होते हैं ये 24 घंटे निगरानी करते हैं किसकी, 24 घंटे निगरानी करते हैं आपके ओलिव रिडले कछुए की, ओलिव रिडले कछुए की निगरानी करते हैं। और देखा जाए आगे बेटे बिल्कुल, तो यहाँ पे जहाजों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जहाजों का भी इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ देखा जाए सैटेलाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक बिल्कुल। और देखा जाए तो 225 जहाज दिवस, ठीक,
225 जहाज दिवस और 388 विमान घंटे समर्पित है किसको? आपके ऑपरेशन ओलिविया को। ऑपरेशन ओलिविया को क्या है? समर्पित किए गए हैं। 285 हवाई दिन, यानी कि हवाई दिन का मतलब क्या है बेटे? जहाज दिवस का मतलब क्या है? हवाई मार्ग से किसकी किसकी निगरानी करना? इन कछुओं की निगरानी करना, इन कछुओं की निगरानी करना। 388 घंटे, ठीक, 388 घंटे समर्पित किए गए हैं किसको? इस ऑपरेशन ओलिविया को। ठीक बच्चे? हाँ बिल्कुल 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 दोस्त, बिल्कुल रखा जाएगा, बिल्कुल रखा जाएगा बच्चे, बिल्कुल रखा जाएगा, ठीक, बिल्कुल रखा जाएगा। अब आते हैं दोस्त किसको? अब आते हैं भैया कि जो आपका वर्ल्ड टर्टल डे होता है, यानी विश्व कछुआ दिवस होता है, वो कब मनाया जाता है, कौन बताएगा? विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, कौन बताएगा? जिस बच्चे ने बताया उसके लिए गिफ्ट, जिस बच्चे ने बताया उसके लिए गिफ्ट है बेटे, कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है बच्चे? चलिए जल्दी बताइए बच्चे, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, बताने का प्रयास कीजिए। 23 मई को विशाल सोनी कह रहे हैं, दीपक कह रहे हैं 23 मई, लवासना कह रहे 23 मई, कृष्णा 23 मई, गोविंद 23 मई, पता नहीं सर, आराधना करी पता नहीं, तुम्हें पता नहीं आराधना बच्चे, कोई बात नहीं, पूजा करी 23 मई, ठीक। सीवी कर रही है हवाई मार्ग से निगरानी करके, हाँ बच्चे हवाई मार्ग से निगरानी करते हैं इसकी, बिल्कुल। टाइगर कह रहे हैं 23 मई, बहुत बढ़िया। सुनेलाल कह रहे हैं 23 मई, गोविंद कह रहे हैं 23 मई, शाबाश श्रद्धा, बहुत बढ़िया, पता नहीं था 23 मई, ठीक दोस्त। 23 मई को क्या किया जाता है दोस्त? विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है बच्चे, याद रखिएगा 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है दोस्त, ठीक, बहुत बढ़िया। तो अपनी क्लास को देते हैं यहीं विराम, तो कछुओं को भी करने दीजिए आराम, और आप लोग भी क्या करिए बच्चे, आप लोग भी खाना वाना खा लीजिए, टाइम हो गया है, 10 बज गया है, आपके खाना खाने का समय हो गया है, ठीक। तो मिलते हैं दोस्त सुबह अपनी क्लास में, करंट अफेयर्स की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।